नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष ब्रविसन और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति घर में रह करके अपना किराना स्टोर चला रहा है तो किराने की दुकान चला रहा है तो उसका सर्वे हम कैसे करेंगे। तो आइए अपने इस मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं। जी हाँ, जैसे ही हम अपना सर्वे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर डालते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। ये तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम ये वीडियो मात्र डेमो के लिए बना रहे हैं, इस वजह से हमारी लोकेशन थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों, थोड़ा देर के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा बंद कर देते हैं और लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमें डालना है एड्रेस लाइन। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये सारी चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एड्रेस लाइन डाला और उसके बाद यहाँ पर मुझे सेकंड एड्रेस लाइन डालनी है। यहाँ सेकंड एड्रेस लाइन मैंने डाल ली और उसके बाद मुझे लैंडमार्क डालना है। लैंडमार्क जैसे कि आपके इधर जहाँ पर सर्वे कर रहे हैं उधर आप ये देखिए, कोई भी मशहूर जगह है जैसे स्कूल है या फिर कोई भी मंदिर है या फिर कोई जगह है जैसे कि किसी की दुकान है या कोई भी आपको मशहूर जगह लगे कि यहाँ पर, जिससे हम लोग पहचान सके कि ये कोई जगह है। उसके बाद प्रपोज ऑफ ईसी हाउस, तो यहाँ पर आप डालेंगे रेजिडेंशियल, क्योंकि रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल करने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पर डालेंगे नेम ऑफ हेड ऑफ हाउसहोल्ड। यहाँ पर आपको पहचानना है कि वहाँ का मुखिया कौन है। जी हाँ, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि आपको उनकी दादी का नाम डाल देना है या फिर उनके दादा का नाम डाल देना है। वहाँ पर आपको ये देखना है कि इस परिवार को चलाता कौन है, यहाँ के डिसीजन कौन लेता है, उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है। जी हाँ, उसके बाद उनका जो वहाँ के मुखिया हैं उनका मोबाइल नंबर डालना है। आप कोशिश ये कीजिए जितने भी लोग हैं उनका मोबाइल नंबर लेना ज़रूरी है, अगर मोबाइल नंबर नहीं दे तो ही NA कीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर डालना है टोटल फैमिली में मेल फीमेल जो भी हैं जितने डालने हैं। और यहाँ पर आपको देखना है ई में आपको डालना है कि जितने भी लोग घर के बाहर या घर में रह करके काम करते हैं वो संख्या डालनी है। और इसके बाद आपको डालना है कि घर में, एफ में आपको डालना है कि घर में कितने लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, घर में जो भी बिजनेस हो रहा है वहाँ ये संख्या डालनी। एक डाला मैंने, कंटिन्यू किया, ये देखिए हमारा पेंडिंग एक आ रहा है, इसको हम ओके करते हैं। इसके बाद हमें ऑनरशिप कोड डालना है। ऑनरशिप कोड में आप देखेंगे प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें करना है टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट जो आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर पर, ये यहाँ पर हमें इनसाइड हाउस करना है क्योंकि घर के अंदर बिजनेस चल रहा है, उसके लिए इसमें करते हैं नेम ऑफ ऑनर। जी हाँ, फिर से हमें ऑनर का नाम डालना है। ये ऑनर सेम हो सकते हैं जहाँ पर आपने रेजिडेंशियल में जिनका नाम दे रखा वो हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हमें बताया जा रहा है तो अलग डाल देते हैं, उनका नाम दूसरा को डाल लेते हैं। जी हाँ, अभी हमें जैसे कि संतोष कुमार डाला था और उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पर विमल। जी हाँ, विमल विमल डाल देते हैं और फिर उसके बाद हमें उनका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी किराने की दुकान है तो किराने की दुकान का हम सर्वे करते हैं तो किराने की दुकान हमें ट्रेडिंग आती है तो इसमें ट्रेडिंग सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है। जी हाँ, यहाँ पर होलसेल एंड रिटेलर ट्रेड एक ऑप्शन मात्र शो हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके बाद डिवीज़न में आप देखेंगे रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट टू मोटर व्हीकल्स, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसमें आप देखेंगे रिटेल सेल इन नॉन स्पेस्ड स्टोर्स, फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमें डालना है उनकी एज, जो भी यहाँ पर दुकान का ऑनर है उनकी एज डालेंगे। यहाँ पर उनका जेंडर डाल देते हैं, उसके बाद उनका कास्ट डाल देते हैं और फिर यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं उनको डाल देते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, प्रीनियल सीजनल कैजुअल, तो यहाँ पर ये प्रीनियल है क्योंकि साल भर चलने वाली चीज़ है तो उस पर प्रीनियल कर देते हैं। और उसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है वेदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। जी हाँ, अगर हम अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद वेदर
एक्सपोर्टिंग यूनिट। अगर हम अपने किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसको इधर उधर एक्सपोर्ट करते हैं, तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पर आप मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर आप करेंगे सेल्फ फाइनेंस, और यहाँ पर आप ये डालेंगे कि अगर आपने किसी को किराए पर रख रखा है तो उसकी संख्या डालेंगे, कितने लोग आपके अंडर में काम करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग हम, क्योंकि एक छोटे से किराने का शॉप का सर्वे कर रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर ज़ीरो करते हैं। और इस किराने की शॉप को कौन कौन देखता है, कितने लोग देखते हैं, यहाँ पर उस संख्या को भरना है। तो यहाँ पर एक लिख देते हैं। यहाँ पे हमें वर्कर्स डालना है, क्योंकि एक छोटे से किराना स्टोर का हम सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ज़ीरो डालेंगे। इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लगा इसमें, हम ज़ीरो से 10 लाख कर देते हैं। और टर्नओवर 0 से 5 करोड़ यहाँ। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ये सर्वे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे, और ये देखिए सही का निशान लग चुका है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट एकदम लास्ट में हम आपसे करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि ये मैंने डेमो वर्जन बनाया था, इस वजह से इसको हम सबमिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं संतोष जयसन आप सबसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।